यस, टॉपिक है लेविस थ्योरम। मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेविस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है देखते हैं, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, द रेशियो एनी ऑफ द फोर्सेस टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द रिमेनिंग टू फोर्सेस इज द सेम। अब इसको ना हम लोग एग्जांपल लेके ना अप्लाई करेंगे कि लेविस थ्योरम की कंडीशन क्या है। दो ही कंडीशन ध्यान में रखने का लेविस का, वो भी बोलता हूँ कैसा कंडीशन रहेगा उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या रहेगा। ये तो स्टेटमेंट है, अभी उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या रहेगा वो भी हम लोग तैयार करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सपोज कंसीडर करो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओ पॉइंट, और यहां से एक फोर्स पास हो रहा है, ये फोर्स है एफ वन, और इधर एक फोर्स है तेरे पास एफ टू, और आपके पास यहाँ पे एक फोर्स है एफ थ्री। तो सिस्टम के अंदर, गिवन फोर्स सिस्टम के अंदर कितने फोर्स चाहिए, तीन फोर्स। लेविस का कंडीशन पहला बोलता हूं, फर्स्ट कंडीशन है, एक तो सिस्टम कोप्लानर चाहिए, कोप्लानर कॉन्करेंट चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब है आपके पास जितने फोर्सेस है वो सेम पॉइंट में से पास होने चाहिए। क्लियर? तो मेरे पास अभी मैंने तीन फोर्सेस लिए, एफ वन, एफ टू और एफ थ्री। ये तीन क्यों लिया, क्योंकि ये लेविस का कंडीशन है, नॉट मोर देन थ्री फोर्सेस अप्लाई नहीं होगा ये, ठीक है। सो मोर देन थ्री फोर्सेस रहेगा तो अप्लाई नहीं होगा, तीन फोर्स चाहिए तो मेरे पास तीन फोर्सेस मैंने लिया है। कंडीशन पहला है, पहला कंडीशन ऐसा है लेविस का कि सिस्टम कोप्लानर कॉन्करेंट चाहिए, तो कोप्लानर ये कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट में से पास हो रहा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। नंबर ऑफ फोर्सेस कितना चाहिए, तो तीन फोर्सेस चाहिए, तो मैंने तीन फोर्सेस लिया। यहाँ पे कंडीशन मैंने लिया नहीं, खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं, बोल रहा हूं। तीसरा पार्ट ऐसा है कि तीनों फोर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एक तो टूवर्ड्स ओरिजिन चाहिए, नहीं तो अवे फ्रॉम ओरिजिन चाहिए। तो अभी मेरे पास मैंने तीनों फोर्स कैसे लिए, एक ही डायरेक्शन में लिए, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन लिए, ठीक है। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन मेरा एफ वन, एफ टू, एफ थ्री है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया। पहला कंडीशन था कोप्लानर कॉन्करेंट, ठीक है, हो गया। देन सेकंड, तीन फोर्सेस, ठीक है, और तीसरा कंडीशन, एक्चुअली दो ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कोप्लानर कॉन्करेंट और तीन फोर्स चाहिए, और दूसरा पार्ट ऐसा है कि उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इस एफ वन और इस स्टेटमेंट से हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार करेंगे, उसको ही बोलते हैं लेविस थ्योरम, और वो फॉर्मूला हम लोग एग्जाम्पल में यूज करेंगे, ठीक है। सो एफ वन और एफ टू, इनके बीच में जो एंगल रहेगा उसको मैं बोलता हूं अल्फा, ठीक है। देन सेकेंड, एफ वन एंड एफ थ्री के बीच में जो एंगल होगा उसको मैं बोलता हूं बीटा। देन हम लोग इसको बोलेंगे, ये जो इनके बीच में द एंगल बिटवीन एफ टू एंड एफ थ्री इज गामा। क्लियर? अब इसको अप्लाई कैसे करने का, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है कि थ्री फोर्सेस, क्लियर, मेरे पास तीन फोर्स है, यस, फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया मैंने यहां पे, तीन फोर्सेस, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट में से ये पास हो रहे हैं, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अभी रेशो, रेशो लिख रहा हूं मैं यहां पे, एनी ऑफ द फोर्सेस, कौन सा फोर्स लेने का पहला, चलो मैं एफ वन लिख रहा हूं, एफ वन रेशो, एफ वन, एफ वन ऑफ द फोर्सेस टू द साइन ऑफ द एंगल, साइन, पहला साइन लिख देता हूं, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेशो किसका, रेशो एनी फोर्स, कोई भी फोर्स ले लो, मैंने एफ वन लिया, ये एफ वन टू द साइन ऑफ द एंगल, एंगल बिटवीन, कौन सा एंगल, एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस। अभी मैंने तो इसको ले लिया एफ वन को, रिमेनिंग दो फोर्स है, एक है एफ थ्री और दूसरा एफ टू, इनके बीच में एंगल कौन सा है, गामा, ये हुआ एफ वन अपॉन साइन गामा। सिमिलरली इज इक्वल टू, सेकेंड फोर्स को लिया मैंने यहां पे, एफ टू है मेरे पास, यहां पे एफ टू है, ठीक है, तो एफ टू को मैं लेता हूं यहां पे, लिखता हूं एफ टू, एफ टू के अपोज एफ टू, ये फोर्स छोड़ के रिमेनिंग दो फोर्सेस है अभी, एफ वन और एफ थ्री, इनके बीच में जो एंगल है वो साइन एंगल करके इधर लिखने का, साइन बीटा, साइन बीटा। देन नेक्स्ट है ये वो फोर्स, अभी एफ टू हुआ, देन रिमेनिंग नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, एफ थ्री, एनी फोर्स, यहां पे बोला एनी फोर्स, मैंने अभी एफ थ्री लिया, ठीक है, टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्स, अभी एफ थ्री को मैंने सिलेक्ट किया है, एफ थ्री अपॉन किसका एंगल लिखने का, रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्स, दैट इज अल्फा। ये था मेरा लेविस थ्योरम का, ये ऊपर का स्टेटमेंट था, और ये जो मैंने कंडीशन बोला था, कंडीशन तो आपको बोला मैंने, एक सिंपल कंडीशन बोला था, क्या कोप्लानर कॉन्करेंट चाहिए, तीन फोर्सेस चाहिए, या तो लिखा है,
देन किधर होना चाहिए वो एक ही पॉइंट में से पास होने चाहिए और उनका डायरेक्शन भी अवे नहीं तो टूवर्ड्स, सबका एक ही होना चाहिए। देन ये अप्लाई कैसे करने का, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोगों ने तैयार किया, क्लियर। अभी देखो एफ वन अपॉन साइन गामा, एफ टू अपॉन साइन बीटा, और अप्लाई करते वक्त कोई भी दोनों को लेने का जो तेरे पास अननोन है उसके हिसाब से प्रॉब्लम में हम लोग देखने वाले, ठीक है। अब एक सिंपल ट्रिक बोलता हूं कि ये तो मैंने ये स्टेटमेंट से बोला कि कैसे लेने का, ठीक है, मतलब कैसे ये इक्वेशन तैयार किया, इसका एक और एक सिंपल ट्रिक आपको बोलता हूं। सपोज तेरे को कोई भी फोर्स है, चल तेरे को F3 है, तेरे पास F3 है, तो F3 के ना ऑपोजिट देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन है, अल्फा, तो सीधा साइन अल्फा, ठीक है। अप्लाई फिर से बोल रहा हूं कि कैसे करने का, ये तो स्टेटमेंट से बोला, एक सिंपल सिंपल और एक ट्रिक देता हूं आपको, ये तो ट्रिक आपको मिल गया स्टेटमेंट से मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे आया। फिर अभी बोलता हूं एफ वन अपॉन साइन गामा, एफ वन अपॉन एफ वन के अपोजिट क्या रहेगा, गामा इक्वल टू, सपोज तूने एफ टू लिखा तो एफ टू के एग्जैक्टली अपोज साइन बीटा, एफ थ्री के अपोजिट F1 के अपोजिट और F2 के अपोजिट, ठीक है। ये स्टेटमेंट और ये दोनों दोनों सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी ये दो दोनों इक्वेशन क्या रहेंगे, इक्वल है, सेम इक्वेशन है, क्लियर। तो ये था लेमिस थ्योरम, ठीक है, होप सबको समझ में आया रहेगा, थैंक यू।